नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एक बुक के बारे में। सबसे पहले आप ये समझें कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, हमेशा याद रखना लाइफ में, कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो हमेशा दो चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे पहले सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस निकालें। ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ने लग गए आपके आप, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं से पढ़ने लगेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी जिसका कुछ नतीजा ही नहीं निकले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। पहली चीज हमेशा याद रखें, सभी एग्जाम्स के लिए कह रहा हूं ये मैं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, हमेशा तैयारी शुरू करने से पहले या तैयारी जब पूरी हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन आप अगर उस एग्जाम के देख लेते हैं तो आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछता है, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उससे आपको पर्टिकुलरली पता पड़ता है कि मुझे ये टॉपिक ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ये टॉपिक कम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बीच बीच में अपने आप को चेक करना जरूरी है कि हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। नहीं तो आप मेहनत करते रहेंगे और नतीजे नहीं आएंगे, और दुनिया जो है वो आपकी मेहनत को नहीं देखती है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ नतीजे पे ताली बजाएगी, आपकी मेहनत पे ताली नहीं बजाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो बुक है ओसवाल्ड बुक्स पब्लिकेशन है, ओसवाल्ड बुक्स पब्लिकेशन हाउस है, oswaldbooks.com पे भी आप जा सकते हैं। और ये बुक है, इसमें नीट के 33 इयर्स के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। मैंने पढ़ी है, 1988 से 2020 तक के क्वेश्चंस बताए हुए हैं आपको जो नीट में आए हैं एज इट इज़। मतलब क्वेश्चंस नहीं बताया, पूरा का पूरा पेपर ही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे जो 1988 में पेपर आया था, 2000 में आया, 2010 में आया, तो पूरे सीक्वेंस में पेपर दिए हुए हैं। तो पेपर देखना बहुत ज़रूरी है कि पेपर 2010 में कैसा आया था, 2019 में कैसा आया था, 2020 में कैसा आया था। पेपर दिया हुआ है, फिर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो तैयारी आप कर चुके होंगे, उसके बाद इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता पड़े कि हाँ। क्योंकि देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये तो ठीक है कि हमें आइडिया हो जाता है पेपर से, क्वेश्चन देखने से कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि नियरली 40-50% रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आपने देखा होगा ना, एक क्वेश्चन AFMC 2017 में भी आया था, फिर वही क्वेश्चन 2019 में एम्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो कई बार लिखा रहता है ना ऐसा क्वेश्चन के बाद, 3-4 डेट्स लिखी रहती हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 40-50% चांस है कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकी उसके अलावा फिर आपकी मेहनत है, ठीक है। तो अच्छे बुक्स है, आप इसे देख सकते हैं, इस बुक को जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इस बुक का, इसको जाके आप देख सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो आप इसे जरूर ले, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।